हेलो मैं हूँ राजकमल और आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका कहाँ लोकेटेड है और अफ्रीका के जो साइट्स में कौन से ओशन्स है कौन से सीज़ है कौन से प्लेट्यूज़ है कौन से हिल्स है एंड कौन से आइलैंड्स हैं और अफ्रीका में कितने देश आता है अफ्रीका में कितना आइलैंड्स आता है इन सब के बारे में हम बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो अफ्रीका जो है वो प्लानट का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है और यहाँ पर सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है पॉपुलस मीन सबसे ज़्यादा आबादी भी है आफ्टर एशिया एशिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी किसी अगर कॉन्टीनेंट में है तो वो अफ्रीका में है और यहाँ पर फिफ्टी फोर कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल कंट्री कहाँ पर है तो वेस्टर्न सहारा में है मैं दिखाऊँगा कि वेस्टर्न सहारा आखिर में है कहाँ तो फिर सब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक कंट्री है सहारवी रिपब्लिक ठीक है ना सहारवी रिपब्लिक जो है उसको वेस्टर्न सहारा भी कहा जाता है वो अफ मोरक्को से डिस्प्यूट रखता है मोरक्को से बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ बट मोरक्को अभी भी सहारवी रिपब्लिक पर क्लेम करता है कि अभी भी वो मेरा है और मैं तुम्हें मतलब कि ससीड करने का बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा तो अब हम बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 में वहाँ की आबादी एक अरब से ज़्यादा दी थी करीब भारत करीब करीब भारत के बराबर थी और पूरी दुनिया का चौदह परसेंट लोग अफ्रीका में रहता था इंडिया में पूरी दुनिया का 17 परसेंट लोग रहता है तो ह्यूमन पॉपुलेशन फोर्टीन परसेंट वहाँ पर रहता था और वहाँ पर नील रिवर भी है नायल रिवर नाइल रिवर आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा रिवर है और सहारा डेजर्ट दो जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेज़र्ट है वो भी अफ्रीका में ही है तो फिर अब हम बात करते हैं कि आखिर में अफ्रीका किस चीज़ से घिरा हुआ है तो अफ्रीका घिरा हुआ है सी से नॉर्थ में फिर से स्वेज कनाल और रेड सी से और सेनाई पेनसुला से नॉर्थ ईस्ट में ये मैं बताऊंगा कि ये सब है कहाँ और इंडियन ओशन से ईस्ट में और साउथ ईस्ट में और अटलांटिक ओशन से वेस्ट में तो अब मैं बात करूँगा देखिए ये है एटलांटिक ओशन जो उसके वेस्ट से है ये है इंडियन ओशन जो कि उसके साउथ साउथ में है और साउथ उसके बाद इंडियन ओशन साउथ वेस्ट में है ये रेड सी और ये आप इजिप्ट का छोटा सा ये जो पार्ट देख रहे हैं तो देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया ये ए अफ्रीका का पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया एशिया का पार्ट जो बीच में यहीं पर स्वेज कनाल बना हुआ है स्वेज कनाल वहीं पर बना हुआ है और स्वेज कनाल के उस साइड जो कि जो कि वहाँ पर एक लैंड मास है वो भी अफ इजिप्ट का ही है तो उसे सिनाई पेनन्सुला कहा जाता है और इधर मेन लैंड इजिप्ट कहा जाता है तो मुझे लगता है कि शायद अब आप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा तो आगे हम बढ़ते हैं कि अलज... अफ्रीका का सबसे बड़ा कोई कंट्री है तो वो है अल्जीरिया उसके बाद से उसका सबसे छोटा कोई कंट्री है तो वो है सेसेल्स उसके बाद से अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ा कंट्री नाइजीरिया है उसके बाद से आबादी की दृष्टि में ही देखा जाए तो उसकी सबसे छोटी देश सेसेल्स है सेसेल्स एक आइलैंड कंट्री है मैं दिखाता हूँ कहाँ है सेसेल्स यहाँ है यहीं यहीं पर एक एजमशन आइलैंड है उसी को मतलब कि वहीं पर अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए इंडिया पिछले तीन चार सालों से सेसेल्स को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सेसेल्स आइलैंड आप दे दीजिए मैं आपको उसके बदले मिलियंस ऑफ़ डॉलर्स दूंगा और आपके सॉवरिटी को भी मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करूंगा बट सोसेल सेसेल्स की पार्लियामेंट अभी भी उसे लेकर मतलब कि दो हिस्सों में बढ़ चुकी है अभी देखते हैं आगे क्या होता है तो खैर अब हम बात करते हैं अफ्रीका के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट माउंट के है जो कि तंजानिया में पड़ता है और अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक असल जो कि जिबूती में पड़ता है जिबूती एक छोटा सा कंट्री है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री बेस है आप देखेंगे कि जिबूती यहाँ आता है यहाँ यह छोटा सा जिबूती है ठीक है ना जिबूती फिर हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में फिफ्टी फोर सॉवरिन इस्टेट्स है सॉवरन यानी स्वतंत्र देश है जिनका अपना संविधान है अपने राष्ट्रपति हैं फिर से वहां पर दो एक ऐसे स्टेट है जो कि डिस्प्यूटेड है एक है सहारवी रिपब्लिक सहारवी रिपब्लिक जो कि खुद को रिकॉग्नाइज कर चुका है एक सॉवरन स्टेट बट उसे कोई भी सोवरेन स्टेट रिकॉग्नीजन नहीं दिया है रिकॉगनाइज बाई अफ्रीकन यूनियन फोर्टी सेवन यूनियन मेंजेंटेटिव गवर्नमेंट हाँ सॉरी सहारवी रिपब्लिक को रिप्रेजेंट ये सहारवी रिपब्लिक को ये रिकॉग्निशन मिल चुका है मैं बोलने वाला था इसको शुमाली लैंड को सुमाली लैंड को अभी तक कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया ये सोमालिया से अलग होना चाहता है यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स आते हैं आपको मैं इसका लोकेशन दिखाता हूँ ये ये है शुमाली लैंड यहाँ यहाँ पर यहाँ पर पायलट्स बहुत ज़्यादा आते हैं पायलट्स मीन्स होते हैं समुद्री लुटेरे पायरेट्स ऑफ तो द कैरेबियन भी आया था आप देख सकते हैं उसे बहुत अच्छा फिल्म है तो यहीं पर अधिकतर जो सिप होता है देखिए यहीं पर ज़्यादा डकैती होता है यहाँ पर तो यहीं पर डकैती होता है इसके लिए बहुत सारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुका है कि कैसे इन पायरेसी से हम बचें तो फिर अब हम बात करते हैं ये है एक पॉलिटिकल मैप है अफ्रीका का जिसमें हम देख सकते हैं ये वेस्टर्न अफ्रीका हो गया या सदर्न अफ्रीका हो गया ये वेस्टर्न अफ्रीका हो गया ये ईस्टर्न अफ्रीका हो गया ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया लेकिन सबसे ज़्यादा कोई कंट्री मैंने आपको बताया तो वेस्टर्न अफ्रीका ये सहारा रीज़न वाली ये सब सहारा वाला रीज़न है ये 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 सहारा वाला रीज़न है सहारा डेज़र्ट को भी मैं दिखाऊंगा ये है सहारा डेजर्ट देखिए सहारा डेजर्ट जो है वो पूरे अफ्रीका का थर्टी परसेंट लैंड एरिया को कवर किया हुआ थर्टी परसेंट बहुत होता है और इसका पूरा एरिया नाइन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नाइन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मीन्स नब्बे लाख स्क्वायर किलोमीटर मीन्स इंडिया का एरिया थर्टी टू लाख है मीन्स अप्रॉक्स थ्री टाइम्स ऑफ इंडिया तो अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ अफ्रीका के बारे में कि आखिर में अफ्रीका में कितना रीज़न है तो अफ्रीका का अफ्रीका बहुत सारे रीज़न में अगर अफ्रीका को हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अफ्रीका कई सारी रीजन में हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा जैसे कि नॉर्थ या नर्दन अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका सेंट्रल या मिडिल अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे तो देखिए नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में ये सब कंट्री है अल्जीरिया जो कि वहाँ का एक तरीका से बाई लैंड सबसे बड़ा कंट्री है इजिप्ट लीबिया यहीं के गदाफी थे मोरक्को यहीं से यहीं का डिस्प्यूटेड है सहारवी रिपब्लिक साउथ सूडान जो कि सूडान से अलग हुआ ये सूडान ट्यूनीसिया यहीं पर 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई वेस्टर्न सहारा उसके बाद से अब हम बात करेंगे वेस्ट अफ्रीका के बारे में तो वेस्ट अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका जो कि है उसमें बहुत सारे देश आते हैं जैसे कि बेनिन बुरकानी फासो केवर्डे घाना गांबिया देखिए गाम्बिया एक अलग कंट्री है और जाम्बिया एक अलग कंट्री है और दोनों अफ्रीका में ही आता है गाम्बिया और जाम्बिया फिर आता है आइवरी कोस्ट फिर गिनी देखिए गिनी से बहुत सारे कंट्री है एक है गिनी एक है गिनी बिसाऊ एक है इक्वेटेरियल गिनी एक है फ्रेंच गिनी तो फ्रेंच गिनी जो है वो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज है तो ये आप ध्यान रखिएगा गिनी कंट्री है गिनी बिसाऊ है लाइबेरिया नाइजीरिया जो कि वहाँ पर अफ्रीका की सबसे पावरफुल कोई इकॉनमी है तो वो नाइजीरिया की है फिर नाइजर फिर मॉरिशनिया फिर माली सेंट हेलेना सेंट हेलेना अभी भी ब्रिटिश कब्जे में है सेनेगल सेरालियोन सेरा लियन पर एक बहुत अच्छा मूवी बन चुका है लियोन डिकैप्रियो ब्लैक डायमंड ऐसे कुछ अब देखिएगा बहुत अच्छा मूवी है टोगो फिर हम सेंट्रल अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो सेंट्रल अफ्रीका में आता है कंट्री अंगोला अंगोला जो कि पुर्टगीज़ का कॉलोनी था कैमरून सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चार्ड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो ये दो जो स्टेट्स थे रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो वो दोनों कंट्री जो था वो बेल्जियम के कब्जे में था और यहाँ पर जो बेल्जियम के एक राजा थे लियोपोल्ड फर्स्ट वो लियोपोल्ड फर्स्ट को जिम्मेवार माना जाता है यहाँ के दो करोड़ लोगों को डायरेक्टली मारने का जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि आप अगर लियोपोल्ड फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो इसे एक अपना प्राइवेट एंटिटी मानते थे और यहाँ के लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स के चलते दो करोड़ लोग मारे गए हैं मैं ये पूरी तरीक़े से ज़िम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूँ इतना बड़ा आंकड़ा ये हॉलोकॉस्ट से भी बड़ा आंकड़ा था होलोकास्ट में सिक्सटी मिलियन होलोकॉस्ट में सिक्सटी मिलियन सॉरी सिक्स मिलियन लोग मारे गए थे बट आ, किंग लियोपोल्ड आ, जो बेल्जियम के थे वो अप्रॉक्स ट्वेंटी मिलियन लोगों को मारे थे रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहले ये सब मिलाकर कांगो ही था फिर से मैंने आपको बताया कि गिनी से एक और कंट्री आता है इक्वेटेरियल गिनी फिर गैबॉन गैबॉन में ऑयल रिच कंट्री है सेंट टॉम एंड प्रिंसिपी उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका के बारे में तो ईस्ट अफ्रीका कंट्री आता है बुरुंडी कोमोरोस जिबूती जिबूतरी में मिलट्री बेस लगभग हर पावरफुल कंट्री का है यू का है अभी चाइना ने स्टार्ट किया है ब्रिटेन का है जर्मनी का है रशिया शायद बनाना चाहता है इंडिया भी अप्रोच कर रहा है जापान का है तो हर इसकी पूरी इकॉनमी वहाँ से जो भी फंड आता है जो भी मान लीजिए किसी के बेस वैसे तो वो बदले में कुछ पैसा देता है तो उससे उसका पूरा इकॉनमी चलता है यहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है एक से दो लाख है फिर से कीनिया है इथियोपिया है इरेट्रिया है मैड इथियोपिया का ही कैपिटल आदि सबाबा है यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का क्वार्टर है मेडागास्कर है ये जो कि मेन लैंड अफ्रीका है उससे काफ़ी अलग है मेडागास्कर फिर है मलावी मॉरिशस जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं मीन्स भारतीय मूल के रवांडा तंजानिया जिम्बावे ये क्रिकेट खेलता है जैसे बहुत अच्छा लगता है कि अफ्रीका में भी क्रिकेट कोई अच्छा क्रिकेट कोई देश खेलता है और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है यहाँ के एक प्लेयर हैं जो कि शायद कोई फ्लावर थे जो कि इंडिया के कोच भी रह चुके हैं फिर से एक है रियूनियन आइलैंड जो कि अभी भी फ्रांस के कब्जे में है सोमालिया है जाम्बिया मैंने आपको बताया ही कि गैम्बिया एक अलग कंट्री है और जाम्बिया एक अलग कंट्री है फिर युगांडा फिर युगांडा यहीं के थे ईदी अमीन फेडसेसल्स यहीं के एजम्सन को भारत आ, आ, लीज पर लेना चाहता है अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए फिर है मोजाम्बिक फिर अब हम बात करते हैं सदन अफ्रीका के बारे में तो सदन अफ्रीका में ज़्यादा देश नहीं आता है बोत्सवाना लेसोटो नामीबिया एसवातनी इसका पहले नाम स्वाज़ीलैंड जाना जाता था और साउथ अफ्रीका देखिए साउथ अफ्रीका के अ, 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 अंदर ही दो लैंड लॉक्ड कंट्री आते हैं एक आता है इसवातिनी जिसे स्वाज़ीलैंड बोल जाता था और एक आता है लेसोटो फिर हम बात करते हैं ये है एक अफ्रीका का मैप यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं यह है मड़कास्कर जो कि लैंड अफ्रीका से काफ़ी दूर है यहाँ पर है मॉरिसस यहाँ पर सेसेल्स अब बाकी सब कंट्री यहीं पर है आप अच्छे से इसको देख सकते हैं खैर हम आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका जो है वो रिसोर्सेज में बहुत ही रिच है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज़ मिलता है और वहाँ पर आ, रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि वहाँ की इकॉनमी भी थोड़ी बहुत सुधरी हुई है क्योंकि वहाँ पर सेल्स काफ़ी बड़ा है मीनस पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है कमोडिटीज़ का फिर से सर्विसेज का फिर वहाँ पर कुछ मैनुफैक्चरिंग प्लांट भी लगा है जिससे वहाँ के लोगों को जॉब भी मिला है फिर हम देखेंगे कि अफ्रीका में मिनरल वेल्थ प्लेस है अफ्रीका वहाँ पर काफ़ी मिनरल मिलता है जैसे कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस यूरेनियम रेडियम लोकोसथोरियम थोरियम से पता ही है आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है लेडियम जिंक गोल्ड लिथियम लिथियम आयन बैटरी डायमंड्स चर्मेनियम टलम टाइटेनियम बॉक्साइट तो ये सब मिलता है फिर हम बात करते हैं कि ये साउथ अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ये प्रोविंस है जहाँ पर यूरेनियम मिलता है और यूरेनियम से भी परमाणु बम बनता है तो ये भी लेकिन देखिए इतनी मिनरल रिसोर्सेस होने के बावजूद अफ्रीका का कोई भी कंट्री डेवलप नहीं है ना ही सेमी डेवलप बोल सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ के जो कि लीडर जो हैं पॉलिटिकल लीडर वो बहुत ही करप्ट हैं खैर मैं उनको दोष नहीं दूंगा लीडर को क्योंकि जनता जैसी होती है वैसे उनके नेता होते हैं तो जनता को करप्ट से बचना पड़ेगा जनता को अच्छा होना पड़ेगा तभी वो एक अच्छे लीडर को चुन सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि वहाँ के पूरे सिस्टम में करप्शन है तभी वो बहुत ज़्यादा गरीब है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है सिर्फ फिर मैं बात करूँगा उसकी इकॉनमी के बारे में तो उसकी इकॉनमी कुछ ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है उसका ये पॉपुलेशन है मैंने आपको बताया वन पॉइंट थ्री इंडिया की तरह ही उसकी जीडीपी बिल्कुल इंडिया के बता सकते हैं बिल्कुल इक्वल है फिर से नॉमिनल जीडीपी में तो इक्वल है और परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया इसका डबल है खैर परचेजिंग पावर पैरिटी को उतना नहीं माना जाता है ठीक है ना सिम्बॉलिक जी ग्रोथ बहुत ही कम है थ्री जे पर कैपिटा इंडिया के इक्वल है मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए बिल्कुल जैसा अफ्रीका का हाल पूरी दुनिया में वैसे इंडिया का भी हाल है पॉपुलेशन भी सेम है जीडीपी भी सेम है और पर कैपिटा भी सेम है ये मिलेनियर्स को मत देखिए ये आप ना आप हैं ना हम हैं तो मिलेनियर्स हर जगह होते हैं भाई रिच सोसाइटी हर जगह होती है लेकिन हमें चाहिए कि कैसे मिडिल क्लास और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा उसे सब्सिडी मिले गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो फिर देखिए अफ्रीका बहुत बड़ा कंटिनेंट है और अफ्रीका में बहुत सारे टॉपिक है तो एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे एक और टॉपिक उसके बाद एक और टॉपिक मीन्स टोटल तीन वीडियो लाना पड़ेगा तो तीन वीडियो में ही कवर हो पाएगा जैसे एक ये वीडियो आ गया इसके बाद एक और वीडियो फिर एक और वीडियो लाना पड़ेगा मीन्स दो वीडियो तो उसी में कवर हो पाएगा सो so, थैंक्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा और फिर से मुझे क्या आप सजेशन देना चाहते हैं ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो so, थैंक